तो सबसे पहले क्या मुद्दा लेकर के जाइएगा जनता के बीच में? हम सबसे पहले गांव में जो प्रॉब्लम है, पंचायत में जो प्रॉब्लम है, वो मुद्दा उठाएंगे। हमारे यहाँ नली गली नहीं है और गांव में नली गली का प्रॉब्लम है, कुछ मतलब बहुत प्रॉब्लम है, तो वो मैं मुद्दा उठाऊंगी। तो मेरा रीज़न आने के बाद मैं सबसे पहले इस काम पर काम करूंगी। जहाँ नहीं हुआ उस जगह हाँ, पे जहाँ नहीं हुआ, जैसे मेरा भिंडिस में, मेरा आपको मैंने कुछ फिल्मा में कुछ मेरा ही खुद गाँव रघुनाथ खाद में देखे रहे कि नाली का क्या पोजीशन है, गली का क्या पोजीशन है, मैं वो पहले पूरा करने का कोशिश करूँगा। ब्लॉक स्तरीय किस तरह का लाभ पहुंचाना चाहिएगा? ब्लॉक स्तर में जैसे पब्लिक का जो कॉलोनी का बात है, जैसे वृद्धा पेंशन, ये आपको और राशन कार्ड वगैरह वगैरह, ये सब काम हम डोर टू डोर जाकर हम खुद काम करूँगा। तो इसको ये सब तो काम जो अभी मुखिया जीता हुआ है वो सारे लोग कर रहे हैं, आप भी हो उसमें और रहा है कुछ? लेकिन मेरे हिसाब से मतलब पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। बहुत पब्लिक का शिकायत है, जहाँ हम जा रहे हैं तो लोग बोल रहा है बेटा मेरा ये काम नहीं हुआ है, वृद्धा पेंशन नहीं हुआ है, लेटरिन का पैसा ऐसे फंसा हुआ है, वो है, बहुत किस्म किस्म का सुनने को मिल रहा बहुत है। सारे लोग मुखिया हैं कि अपना कॉलोनी के नाम पे बहुत सारा पैसा भी वसूली कर रहे हैं, तो उसमें आप कहाँ तक राहत दे पाइएगा गरीबों को? ये जहाँ तक लेने देने की बात है, तो हम तो भाई लेने देने का बात कुछ नहीं करेंगे, पब्लिक के पास सीधा दम काम को हम पहुँचाएंगे। कोई कमीशन कमीशन 10-20 जो इधर उधर आदमी लेता है, उस पर हम ये करेंगे। रखीजिएगा। अच्छा, सब जनता आपको मुखिया के रूप में स्वीकार करती है, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा? तो मैं तो बताया कि सबसे पहले मैं युवाओं पर जोर दूंगा,